खेल रही है ये तो। मैं इसकी तरफ इसलिए देख रही हूँ क्योंकि पूरे बेड पे घूम रही है, तो कहीं गिरना पड़े। आइए ऐसे घूम रही है ये। चलो मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ आज, मैं खा रही हूँ आज दलिया, क्योंकि मैंने पापा के लिए बनाया हुआ था सुबह, तो वो क्या है ना बच गया, पापा ने थोड़ा सा ही खाया तो अब उसको मुझे खाना पड़ रहा है, तो अब मैं खा लेती हूँ उसको। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग तैयारी करेंगे निकलने की, क्योंकि अभी वहाँ से मोनू भाई और सीमा बाजी भी नहीं निकले हैं, तो जब वो वहाँ से निकल जाएंगे तब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो दोनों मिल जाए ठीक है, एक ही जगह पे मिलना है हमको। तो इस चक्कर में लेट कर रहे हैं, और मतलब सुबह ही क्या करेंगे वहाँ पहुँच कर, क्या आराम से पहुँचेंगे 3-4 बजे तक। चलो पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर आप लोगों से मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस देखो अब बस निकलने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये लड़की कपड़े नहीं पहन रही है, इसका सब कुछ रखा है ये नहीं पहन रही है, इसको नहीं पहनना है, इसको हम दूसरे कपड़े पहनाने पड़ेंगे। चलो जल्दी से पहनो, अगू पहनो, ये क्या है जल्दी से आओ यार, लेट हो रहे हैं। भैया आ गए लेने के लिए जी, देखो जी खिचड़ी अभी तक। तेज कर दो इनके सामान का हेड रख दो, सामान रखते ही जा रही है वो सामान, पता नहीं कितना वो रखना बाकी रह गया, मैं बस रख गया, मैं बाल बना रही हूं। सो गाइस भैया बाजी आ गए हैं, तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं मम्मी। तो गाइज यहाँ पर भैया और बाजी आ गए हम लोग को लेने के लिए, क्योंकि यहीं से फिर अब हम लोगों को निकलना है ग्वालियर के लिए, तो बस अभी हम लोग बैठ गए हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीएनजी पंप सीएनजी भराने के लिए, तो अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे ट्रैक पर, तो जो अभी फाटक जो है लग गए हैं, क्योंकि ट्रेन अभी यहाँ से निकलने वाली है, तो उससे पहले फाटक लग जाते हैं, तो हम लोग को जाना है अंबा रोड पर, तो यहाँ से ही निकलते हुए जाते हैं सीएनजी पंप के लिए। तो यहाँ पर मनु भाई से भी बातें चल रही थी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पर। अभी अगर आप लोग जो है आगे देखना कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई निकल के नहीं आ रहा था, जब बाद में जाके पता चला जो है कि यहाँ पे बंद हो चुका है, मतलब सीएनजी है ही नहीं। और बस उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि हमारा 1 घंटा यहाँ पे बर्बाद चला गया, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी हमारे पास, वैसे भी हम लोग निकले ही लेट। और उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पे ग्वालियर पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से लेंगे केक, सानिया के बर्थडे केक। फिर हमने जो है ना ग्वालियर में ही बहुत ज़्यादा घूमा है, क्योंकि केक के चक्कर में पहले तो हम लोग घूमे, फिर उसके बाद पार्सल हमने वहाँ से उठाया, तो उसके चक्कर में हम लोग और ज़्यादा लेट हो गए, तो इस तरह से। और फिर ट्रैफिक भी बीच बीच में मिलता है, तो बहुत हो जाता है टाइम, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। तो बस यहाँ से अभी केक लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। पहुँच गए और कपड़े पहनना है। तो गाइस यहाँ पर मैंने हुरैन को चेंज करा दिया है, क्योंकि हुरैन ने बीच रास्ते में जो है ना वॉमिट कर दी थी, तो उससे सारे कपड़े अपने सब गंदे हो गए थे, और मैं वैसे भी एक्स्ट्रा लेकर के चलती हूँ, क्योंकि हुरैन का मतलब ऐसा रहता है ना कि बच्चों का कभी भी गंदे कर लेते हैं, तो उस चक्कर में जो है एक्स्ट्रा लेकर ही चलती हूँ मैं। यहाँ पर अभी उसको चेंज करा दिया रास्ते में, और बस अभी चलते हैं अंदर। मोनू भाई और सीमा बाजी आ चुके हैं यहाँ पर, तो सानिया का ये था कि हमें मॉल में ही बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो बस हम लोग मॉल में ही आ गए, बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो सो गाइस अभी पार्किंग में आ गए हैं, ग्वालियर तो पहुंच गए हैं, तो मतलब आज सब जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि हुरैन ने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, उसने वॉमिटिंग कर दी थी रास्ते में ही, तो सब कुछ मतलब ठीक ठाक करना पड़ा, उसको चेंज कराना पड़ा। और अभी जा रहे हैं अंदर, अभी पार्किंग में गाड़ी लगाई है, इधर साइड है लिफ्ट वो है उधर आगे, तो मोनू भाई और सीमा बाजी जो है थर्ड फ्लोर पर हैं, तो हम भी थर्ड फ्लोर पर ही जाएंगे। साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है, देखो भैया लेकर के आ रहे हैं हुरैन को। ये देखो इनका डांस शुरू हो गया। इन डांस शुरू हो गया हमारा, इन
नहीं 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 इसको तो पकड़ो, इसको पकड़ो, कोई इसको जम पकड़ियो, जम इन जम जम एकदम से वो होता है जिद 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 रह कहाँ गई, चलो चलो हाँ वो घूम रही है, वो घूम रही है सामने, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे, तुम लोगों ने इंतजार करा कर था कि करा करा के जी हो गया जो देखो जा रहे जाओ देख देख के भाग रही है, बैठो बैठो उसमें, चलो उसमें बिठाए, चलो छोटी वाली में बिठा दो, छोटी वाली में इसमें एक एक से घुमाएंगे दोनों को, हैं एक एक से घुमाएंगे दोनों को, वो तभी ऐसी बैठी इसमें घुमा देंगे साथ में, साथ में हाँ नहीं इसमें घुमाएंगे। सो गाइस अभी हो रहे हैं यहाँ पर घूम रही है और घूम रहा है, बाय बाय बाय। वो तो अपने में ही सबके बस बुलबुल आया फिर सब बैठ जाते, केक काट लेते पहले हाँ। फिर अपन केक कहाँ है, ये कुर्सी पर नहीं है अभी, आया तुम आते हो इधर तो खड़े हो हैंड ऑफ करो, दूसरे कपड़े थे आप खाइए खिलाओ, खिलाओ
भाभी दे ना अच्छा लग रहा है ऑफ वाइट सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग में और यहाँ पर बाजी अपने फोटो क्लिक करवा रही हैं क्योंकि ये गाड़ी है महिंद्रा की और ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है तो बस यहाँ पे अभी नीचे आ गए और कहीं और जा रहे हैं अब कहाँ जा रहे हैं अपन अब कहाँ जा रहे हैं अपन तो यहाँ पे बाजी अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनवा रही हैं इन्नो कैसा लगा तुमको अच्छा लगा तो गाइस वहाँ से तो हम लोग निकल दिए और अब हम जा रहे हैं नॉनवेज होटल रेस्टोरेंट जो भी हमें मिले तो बस यहाँ पे अभी मैप लगा रहे हैं क्योंकि कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना तो हमें जो है अभी रास्ता वगैरह पता नहीं है सही से तो इस चक्कर में जो है यहाँ पे मैप लगा लिया है तो वो एकदम सही हमें सही जगह पर पहुँचा देता है गूगल तो बस अभी सब लोग बैठ चुके हैं
और यहाँ पे देखो सानिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया है हमने, तो बस अभी अब लास्ट में जो है खाना खाने ही जा रहे हैं। तो आप लोग दुआ दे देना सानिया को बहुत सारे, कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और बस बड़े होकर जो भी वो बनना चाहे वो बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आमीन। सो मामी अभी अब आ गए हैं, कहाँ पे आ गए अपन? ईदगाह। हम लास्ट में उतरेंगे, पहले तुम लोग देख के आओ उसके बाद हम आएंगे। तो अभी हम आ गए हैं ईदगाह कंपू, और यहाँ से इन सबको खाना था नॉन वेज, तो अभी एक गए हैं। फुरन सो गई थी, इनकी नींद को लग गई है। आ जाओ वहाँ गई। मैं मम्मी बोल रही थी, एक बार गई थी, हमारी चाची वहाँ पे रहती हैं, तो वो बोल रही थी पहाड़िया पे दो पहाड़िया, एक लाल पहाड़िया सो रही है, कैंसर पहाड़िया भी है, कैंसर पहाड़िया का हॉस्पिटल सबसे बड़ा, तो वो कैंसर पहाड़िया काली घाटी है, बहुत सारी जगह है। साइकिल चलती है ना वहाँ से ऊपर से, तो बिना पैडल के साइकिल चलाते हैं, मतलब बैठ के सीधे टक जाते हैं, संभालने वाले होते तो कोई संभाल पाते हैं, रहता बस पानी नहीं आता, तो ऊपर पानी चलते थे, चिकन चंगेजी, चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, चिकन मलाई। भाभी बताओ, चिकन कोरमा, चिकन फ्राई, चिकन मलाई। तो गाइस अभी सब लोग चले गए हैं खाना खाने के लिए, मुझे भूख नहीं थी इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। सो गाइस सब लोग अंदर चले गए हैं, मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे KFC चिकन खाया हुआ था, तो बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। और हुरैन भी सो रही है साथ ही में, और वहाँ बाहर जो है अंदर जो होटल है छोटा सा, तो उसमें हो रही बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि बाहर साइड में बन रहा है खाना और मतलब तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फिर हुरैन जो है उठ जाएगी, अगर ये कच्ची नींद में उठ गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर लेगी पूरे रास्ते में ही। तो बस अभी मैं इसको लेकर यहाँ पर बैठी हूँ, और जैसे ही अगर ये उठती है तो फिर मैं अंदर जाऊँ। तो बस यहाँ पे अभी आ चुके हैं, और बस यहाँ पे आ गया है खाना, तो यह चिकन फ्राई, चिकन चंगेजी, क्योंकि इस होटल का जो मेन चीज़ जो है ना, तो वो है चिकन चंगेजी। तो बस यहाँ पे सभी लोग जो है चिकन चंगेजी पसंद करते हैं, तो उन्होंने बोला ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, तो ये अब लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी आप समझें, क्योंकि मैं तो नहीं आई थी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना कम स्पेस है, और ऊपर से हुरैन भी सो रही थी मेरी गोद में, वो परेशान हो गई थी इस चक्कर में। तो बस वहाँ से खाना वाना खाने के बाद में निकल आए हैं दूसरी जगह पर। बाय बेटू, बाय चाचा। तो बाजी अब जा रही हैं, सानिया भी जा रही हैं, मुरैना चलती है सही रहता है। थैंक यू। हाँ बोलती है ना वो, थैंक यू चीज लाना। टाटा तो करो उसे, नहीं मतलब वो कोई चीज में लगे ना उसे, तो उसी में ध्यान रहेगा बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छे से जाना है, फोन कर देना, पहुंच के फोन कर देना और क्या बता देना। वो गिफ्ट ले लिया, बैग में रख लिया। चिप्स रखे हैं उसमें, बैग में भी रखा है, एक पड़ा है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं घर पे और टाइम जो हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बज रहे हैं रात के 2। जी हाँ, रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग आ गए थे 1:30 बजे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिला ना हम लोग को रास्ते में कि हम परेशान ही हो गए। 1.5 घंटा तो हमारा वैसे ही चला गया। तो बस जैसे तैसे करके अब पहुँच पाए हैं और सो बस यहाँ पे ना मैं बिरयानी निकालने के लिए आई हूँ किचन में, क्योंकि ना हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और सेकंड जब बच्चे वॉमिट वगैरह कर देते ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो हो रहा ने आज जो है ना वॉमिट की थी, तो उस चक्कर में मेरा माइंड थोड़ा सा ऑफ था, और सेकंड फिर वो वॉमिट करने के बाद सो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये अच्छे से सो ही जाए, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी, क्योंकि बच्चे को ज़रा सोने के बाद रिलैक्स मिल जाता है। तो वो सो गई थी मेरी गोद में, तो फिर मैं खाना वाना खाने के लिए नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरा मन भी नहीं था, इसलिए भी मैं नहीं गई थी। तो फिर इन्होंने बोला और सबने बोला कि चलो फिर बिरयानी पैक करवा लेंगे, तो तुम लोग घर पे खा लेना। तो बस अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं बिरयानी गर्म करने के लिए आई हूँ। तो देखते हैं भाई कैसी बिरयानी है टेस्ट में, क्योंकि सब लोग तारीफ़ कर रहे थे कि हाँ अच्छी है बिरयानी। तो हम लेकर के आए चिकन बिरयानी, ये 2 प्लेट ही लेकर के आए हैं। सो गाइस बिरयानी यहाँ पे मैंने निकाल दी है, तो चलो अब चलते हैं रूम में, यहाँ की लाइट ऑफ करते हैं और इसको मैं इस तरह से लेकर के जाऊँगी।